ये कथा उस भारत वीर की है जिसने उस वक्त मलेच्छों एवं अरबी आक्रमणकारियों की टांग काटकर न सिर्फ भारत भूमि में घुसने से रोका है, अपितु उनके हृदय में इतना भय उत्पन्न कर दिया कि आने वाले 150 सालों तक किसी भी आक्रमणकारी ने भारत भूमि की तरफ देखने का भी दुस्साहस नहीं किया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका चैनल होस्ट वैद अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, ये वीडियो मैं 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर बना रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महान गुर्जर सम्राट मिहिर भोज एवं उनके अरबी आक्रमणकारियों के साथ हुए युद्ध की कथा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कन्नौज के मिले अभिलेख एवं तत्कालीन उस समय के चीनी यात्री जो भारत 600 से 700 शताब्दी के बीच में आया था, उसके अभिलेखों के आधार पर ये कहा जाता है कि कन्नौज जो कि इस समय उत्तर प्रदेश है से लेकर मुल्तान और अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर हिमालय की तराई तक उस वक्त गुर्जर जाति के लोग रहा करते थे। चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने अपने लेख में बाकायदा गुर्जर जाति एवं गुर्जर देश के विषय में लिखा है। अतः मैं इस आधार पर महाराज मिहिर भोज को गुर्जर क्षत्रिय मानता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार की चुनिंदा ऐतिहासिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसे ऐतिहासिक चुनिंदा जानकारी इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और एक बात मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप भी महाराज मिहिर भोज के विषय में कुछ जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ उस कमेंट का उल्लेख कर सकूं। हम बात कर रहे थे महाराजा मिहिर भोज और अरबी आक्रांताओं के युद्ध के संदर्भ में। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर जो भारत के हिंदुओं के आस्था का मुख्य केंद्र था, वो अपने निर्माण से लेकर 1000 ईस्वी तक अपने सोने, अपनी भव्यता के लिए बहुत ही चर्चित, चिन्हित और ऐच्छित था और हर राजा इस पर उस वक्त विजय पाना चाहता था। विश्व का कोई भी राजा हो, उसकी नज़र में सोमनाथ मंदिर हमेशा गड़ी रहती थी और इसी कारण सोमनाथ मंदिर अपने निर्माण से लेकर इतिहास में कई बार टूटा और कई बार बना है। इस बार जब सोमनाथ टूटा तो न सिर्फ भारतीयों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा, बल्कि इनके आत्मसम्मान को रौंदा गया और ये घटना सन 800 से 850 ईस्वी के बीच की है। ये घटना सम्राट मिहिर भोज के दिल में न सिर्फ आघात पहुंचा गई, बल्कि इस बार सम्राट मिहिर भोज के क्षत्रित्व को भी ललकारा गया, क्योंकि हर बार मंदिर में चोरी की घटना को सिर्फ चोरी की घटना बताकर न सिर्फ युद्ध को टाला गया, बल्कि समकालीन बुद्ध धर्म के नियमों का भी पालन किया गया और इसी बात से आक्रांताओं को बल मिलता रहा। परंतु इस बार सिर्फ धन हानि ही नहीं, जनहानि भी हुई थी। अपनों को मृत देख गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने उस समय के महमूद गजनवी के सेनापति जुनैद को उसकी सेना समेत राजस्थान के रेगिस्तान में घेर लिया। इस बार गजनवी के सेनापति का सामना भारत के उस वीर से हुआ था जिसकी आंखों में अपनों के मृत्यु की लालावट थी। वो लालावट मृत्यु के स्वरूप को लगातार घटा और बढ़ा रही थी। इतिहास गवाह है कि इस बार गुर्जर योद्धाओं ने जुनैद की सेना को इतनी शीघ्रता से समाप्त करके विजय पताका फहरा दिया था जितने समय में एक माँ अपने पुत्र को स्तनपान कराती है। यह युद्ध इतनी चतुरता और शीघ्रता से लड़ा गया कि कदाचित इतिहासकारों के कलम से भी चूक हुई, लेकिन इतिहास अपने को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे माध्यम ढूंढ लेता है जब समय आने पर उसको उजागर कर देता है। राजा मिहिर भोज गुर्जर क्षेत्र के राजा थे और वो विष्णु भक्त थे। उनके पिता का नाम रामभद्र और उनके पुत्र का नाम महेंद्रपाल, जो उनका आगे चलकर उत्तराधिकारी बना। उनका राज्य कन्नौज, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, वो आज उत्तर प्रदेश में है और इस तथ्य की पुष्टि कन्नौज में मिले अभिलेख और सोने के सिक्के करते हैं, जिसपे 12 की स्मृति चिन्ह उकेरे गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।